गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इट्स ईवीएस टाइम। टुडे वी विल डू द वी आर डूइंग क्वेश्चन आंसर एंड रिवीजन। सो टुडे वी विल राइट हाउ मेनी सीजंस आर देयर इन अ ईयर, कितने सीजंस होते हैं ये बनाएंगे एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सीजंस, ये वाला करेंगे एंड व्हाट इज अ रेनबो, ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको रिविजन में करा रही हूँ प्लीज उनको लर्न करते रहिएगा, ठीक है। अब मैं टेस्ट लूंगी, अब मैं टेस्ट लेना भी स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं आपको रिवाइज करवाते जा रही हूँ, आप लर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो अब टेस्ट भी धीरे धीरे 2 डेज हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर 1 डे हमारा टेस्ट होगा, ऐसे करके हम लोग टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो लिखिए इसका आंसर, देयर आर फाइव सीजंस in a year, namely spring, summer, winter, rainy, autumn. Draw the diagram of seasons. So I'm drawing. Draw the diagram of seasons. Seasons का diagram हम लोग draw करेंगे. ये हमारा clouds है. ये कौन सा season है बच्चों? ये हमारा tree है. ये लीव्स गिरी हुई है नीचे, ये क्रिसमस ट्री वाला विंटर सीजन है, फिर उसके बाद फ्लावर्स, और उसके बाद ये हमारा सनशाइन करना है, तो ये हो गया हमारा सीजंस। यहां हमारा ये ड्रॉपलेट्स गिर रही है, ये हो गया हमारा रेनी, ये हमारा ऑटम, ये हमारा विंटर, ये हमारा स्प्रिंग, और ये है समर। इस एक जो डायग्राम से हमें पूरे जो हमारा साइकिल है सीजन्स का वो समझ में आ रहा है। समर सीजन सनशाइन करता है, इट इज हॉट एंड ब्राइट, है ना, फ्लावर्स भी खिले रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा रेनी सीजन्स, तो रेन शावर्स जो कूल रेन शावर्स गिरती है और बारिश हमारा जो सप्लाई होती है वाटर की वो रेन से ही, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो अर्थ पे हमारे जो पॉन्ड्स है, लेक्स है, सी ओशंस रिवर्स ये सारे उनमें रेन की सप्लाई, वाटर की सप्लाई कहाँ से होती है, हमारे अंडरग्राउंड वाटर की रेन से। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स ऑफ वाटर रेन है। उसके बाद ये चला जाता है, जब भी रेन का जो वाटर था रिवर्स में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है, अंडरग्राउंड जमीन में चला जाता है, वही हम लोग थ्रू आउट द ईयर यूज करते हैं। फिर आता है अपने आप को विंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, कोल्ड सीजन ट्रीज क्या करते हैं अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, वो जब लीव शेड कर देते हैं वो वाला सीजन होता है ऑटम सीजन। जो हमारी अभी विंटर सीजन चल रहा है उससे पहले आया था ऑटम सीजन, फिर आता है विंटर सीजन जो अभी चल रहा है, उसमें हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, इट्स वेरी कोल्ड, है ना, तो यहाँ पे
स्नोइंग भी होता है, स्नो भी फॉल होती है बहुत सारी प्लेसेस पे। फिर आता है जब स्लोली ग्रेजुअली फेब्रवरी, आफ्टर 15 फेब्रवरी आप खुद फील करेंगे कि बहुत ही प्लीजेंट, ना बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इट इज़ नॉट हॉट और नीदर हॉट नॉर कॉल्ड, ना ठंड लगेगी आपको ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। चारों तरफ अच्छे से फूल खिलने लगेंगे, जो ट्रीज जिन्होंने अपनी लीव्स को शेड कर दिया था, पेल येलो कलर की हो गई हैं, उनमें नए नए लीव्स दिखने लगेगी, या आप खुद फील करेंगे। जैसे अभी विंटर सीजन फील कर रहे हैं ना, अब आने वाला है बच्चों स्प्रिंग सीजन। ये स्प्रिंग सीजन रहेगा हमारा मार्च और अप्रैल तक, फिर अप्रैल मिड से स्टार्ट हो जाएगा हमारा समर सीजन, वो रहेगा हमारा मई तक, जून से फिर हमारा रेनी सीजन का एटमोसफेयर बनने लगता है। ये पूरा एक साइकिल चलता है, जैसे जैसे मंथ्स भी इसके है, ये चलता है अप्रैल टू जून, ये चलता है जून टू सितंबर, ये चलता है सितंबर अक्टूबर नवंबर, या नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मिड तक चलता है, ये फरवरी और मार्च 2 मंथ्स स्प्रिंग सीजन के रहते हैं। तो इंग्लिश मंथ्स को अगर देखें तो भी हम देख सकते हैं इसको, और वैसे भी हम लोग अभी फील कर ही रहे हैं विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन भी हम लोग सून वी विल फील द स्प्रिंग। बसंत पंचमी हमारा उत्सव 16 फरवरी को आने वाला है, बसंत ऋतु जो हमने हिंदी में पढ़ी थी वही स्प्रिंग सीजन है। तो बसंत ऋतु हिंदी में हमारे कविता भी है, ठीक है, वही बसंत अलग, बटरफ्लाई भंवरे जो कोयल है उसकी भी आप मीठी आवाज जल्दी सुनेंगे। ये सारा पूरा आपका सीजन का डायग्राम, नीचे हेडिंग नीचे लगाएंगे आप इसका नेम सीजन, मेरे पास स्पेस कम है, आप विंटर से नीचे इस तरीके से लिखिएगा सीजन्स, इसको कलरफुल बनाइएगा। एग्जाम में अगर इस तरह का आता है तो आपको इसी तरीके से एरो बना के ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। ईवीएस का जब भी एग्जाम हो, चाहे आप घर से दें, ऑनलाइन दें, ऑफलाइन दें, कलर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मैंने एक ब्रीफ आपको बता दिया सीजन्स के बारे में। और वेदर क्या होता है, वेदर इज द कंडीशन ऑफ हीट विंड क्लाउडीनेस ऑफ अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। आज जो हमारी हीट विंड और क्लाउडीनेस की जो कंडीशंस है वो वेदर कहलाएगी। अगर क्लाउड्स हैं तो क्लाउडी हो जाएगा, नहीं है तो सनी हो जाएगा, है ना। जैसे आज विंड भी इतनी तेज नहीं बह रही है, जोर से हवाएं चलती तो विंडी हो जाता है। और बट इफ द वेदर कंडीशंस रिमेन सेम फॉर मेनी डेज इट इज कॉल्ड अ सीजन। जैसे कि ठंड तो कितने टाइम से चली रही है, कभी फॉगी हो जाता है, कभी क्लाउडी हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है, वो वेदर है। और जो लंबे कंडीशन से जो ठंडा मौसम रह रहा है वो है सीजन। ये डिफरेंस है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और मैंने आपको सीजन्स पे भी लाइंस लिखवा रखी, उनको भी लर्न करिएगा। चलिए अब हम आते हैं व्हाट इज अ रेनबो पर। रेनबो इज अ सेवन इज द कर्व ऑफ लाइट ऑफ सेवन कलर्स रेनबो। और रेनबो is a curved arc of light of seven colors across the sky, across the sky. कलर्स मैंने बताया भी था आपको, आपकी जितनी पिक्चर भी है उससे इसको कलरफुल बनाएंगे। ये दोनों तरफ छोटे छोटे से क्लाउड बना दीजिए और ये सनशाइन बना लीजिए। ये इतना सा वर्क आज आपका इमेज में है, 3 questions करिए, 2 pictures है और 2 questions है ना। और ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो आपका सीजन्स का।